ट्रेनिंग एंड कोचिंग की तरफ ले जाएंगे तो समाज में विकास तो आएंगे, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। एजुकेशन का एजुकेशन इज फॉर लाइफ बट कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इट इज वैलिड ओनली फॉर अ टाइम एंड स्पेस। मेरे विचार से सबका कारण यह है, आप चरित्र निर्माण की बात करें, एजुकेशन में खेलना छोड़ देते हैं बच्चे, शाम को दौड़ना बंद कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोचिंग करनी है। मैं अगर बहुत ज्यादा कहता हुआ नहीं लगता तो एक बात कहना चाहता हूं, इस देश की शिक्षा का मात्र एक कारण है जो जिसने विकार पैदा किए हैं वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम को खत्म कर दीजिएगा, सबको पेरेंट दो दो साल बच्चों को घर बैठा के कोचिंग की तैयारी कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कचरे के खर्चा करते हैं, जमीन बेचे खर्चा करते हैं, लेकिन वही फीस अगर स्कूलों को टाइम से दे दी जाए वो उतनी दी जाए जिनकी जरूरत है, तो मेरा ऐसा मानना है। और ये कई देशों ने सिद्ध किया है, फिनलैंड में कभी फेल की बात नहीं होती, कभी अल्टरनेटिव एजुकेशन की बात नहीं होती, कभी कोचिंग की बात नहीं होती है, ऐसे कई विकसित देश हैं। हमारे देश में एक अल्टरनेटिव एजुकेशन क्यों पैदा हुआ, उसके कारण हैं ये। तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी को अगर हमारा नौजवान इस्तेमाल करे, उसका कारण है कि नौजवान और टेक्नोलॉजी दोनों एक ही एज के हैं, एक ही जनरेशन के हैं, एक दूसरे से बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। उसका इस्तेमाल करें सामाजिक भलाई के लिए, उसका इस्तेमाल करें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसका इस्तेमाल करें अपनी आवाज उठाने के लिए, उसका इस्तेमाल करें ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में कराने के लिए।